अपनी असरदार अदाकारी और खूबसूरती के अलावा प्रेम संबंधों को लेकर भी सुर्खियों में रही मधुबाला। उनकी जिंदगी में करीब 7 लोग आए। मधुबाला के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अक्सर फिल्म में काम करने वाले हीरो और डायरेक्टर से प्यार हो जाता था और मधुबाला उन्हें प्रपोज कर देती थी। मधुबाला को जो पसंद आता था उसे वो गुलाब और लव लेटर देकर प्रपोज करती थी। बताया जाता है कि मधुबाला के अफेयर की शुरुआत उनकी पहली फिल्म नील कमल से ही हो गई थी। मधुबाला की खूबसूरती पर फिदा हुए नील कमल के डायरेक्टर केदार शर्मा। बताया जाता है कि कुछ समय के लिए मधुबाला केदार शर्मा के साथ रिलेशनशिप में रही थी और फिर उनसे किनारा कर लिया। उसकी वजह बताई गई कि मधुबाला का जल्द ही किसी एक चीज से मन भर जाना। मधुबाला की जिंदगी में केदार शर्मा के बाद एंट्री हुई कमाल अमरोही की। बताया जाता है कि फिल्म महल की शूटिंग के दौरान मधुबाला को अमरोही से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। दोनों के प्यार की जानकारी मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को भी थी। वो चाहते थे कि अमरोही और मधुबाला की शादी हो जाए, लेकिन अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और मधुबाला उन्हें किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती थी। 1951 में रिलीज हुई फिल्म बादल मधुबाला और प्रेमनाथ की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से असल जिंदगी में मधुबाला और प्रेमनाथ के बीच अफेयर की शुरुआत हुई। हुआ यूं कि शूटिंग के पहले ही दिन मधुबाला ने उन्हें एक गुलाब और खत दिया जिसमें लिखा था, अगर वह उन्हें प्यार करते हैं तो गुलाब कबूल कर ले या फिर वापस कर दे। प्रेमनाथ ने खुशी खुशी गुलाब को अपने कोट में लगा लिया। मधुबाला और प्रेमनाथ के मोहब्बत का सिलसिला अचानक शुरू हुआ और अचानक ही खत्म भी हो गया। प्रेमनाथ को पता चला कि मधुबाला ने गुलाब और खत के साथ कुछ वैसे ही अशोक कुमार को प्रपोज किया था। प्रेमनाथ ने इसके बाद मधुबाला का चेहरा दोबारा न देखने की कसम खाई। मधुबाला की कहानी दिलीप कुमार के जिक्र के बिना अधूरी है। पहले की तरह ही मधुबाला ने गुलाब के फूल और खत के साथ दिलीप कुमार को प्रपोज किया और रिटर्न गिफ्ट में मिली दिलीप कुमार की मोहब्बत। मधुबाला और दिलीप कुमार 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़े हुए मधुबाला के पिता अताउल्ला खान, जिन्हें मधुबाला और दिलीप कुमार की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता सगाई तक पहुंच गया था, लेकिन शादी से पहले दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे निभाना मधुबाला के लिए आसान नहीं था। दिलीप कुमार ने मधुबाला को शादी के बाद फिल्मों में काम छोड़ने को कहा और साथ ही अपने पिता से भी नाता तोड़ने को कहा। मधुबाला अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। दिलीप कुमार की ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक थप्पड़ के साथ ही मधुबाला और दिलीप कुमार का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिलीप कुमार से रिश्ता खत्म होने के बाद मधुबाला किशोर कुमार के नजदीक आई। उस वक्त मधुबाला और किशोर कुमार दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। उन दिनों किशोर कुमार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और उनके ऊपर कर्ज भी काफी चढ़ चुका था। ऐसे में अपने माता पिता की मर्जी के बगैर किशोर ने मधुबाला से शादी कर ली। मधुबाला और किशोर कुमार 9 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। जिस वक्त दोनों की शादी हुई उस वक्त मधुबाला की तबीयत बेहद खराब रहा करती थी। वजह थी दिल की बीमारी। दरअसल मधुबाला के दिल में बचपन से ही छेद था। वक्त गुजरने के साथ उनकी ये बीमारी बढ़ती गई। मधुबाला अपनी बीमारी का इलाज कराने इंग्लैंड भी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मधुबाला की बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी। 23 फरवरी 1969 को लंबी बीमारी के बाद मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई। दिलीप कुमार को मिलने की अपनी आखिरी चाहत लिए मधुबाला इस दुनिया से चल बसी।